इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ड्रोटिन एम टैबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। अपनी हेल्थ केयर टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वह दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। इस दवा के सामान्य साइड इफेक्ट के रूप में डायरिया, दस्त, मिचली आना, उल्टी, पेट में दर्द, मुंह में सूखापन, भूख ना लगना, ज्यादा प्यास लगना और सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इससे चक्कर आने और उनींदापन आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है, तब तक ड्राइविंग या मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता वाली कोई भी गतिविधि न करें। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे आपको अधिक चक्कर आ सकते हैं। इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक पर्ची पर लिख सके। ड्रोटिन एम टैबलेट के लाभ। पेट में दर्द का इलाज। ड्रोटिन एम टैबलेट पेट और आंतगट में अचानक मांसपेशियों में ऐंठन या संकुचन से असरदार ढंग से राहत देता है, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और भोजन पाचन में सुधार होता है। यह मस्तिष्क में उन केमिकल मैसेंजर को भी ब्लॉक करता है जो दर्द की अनुभूति के लिए जिम्मेदार होता है। यह पेट में दर्द या स्टमक पेन और मरोड़, पेट फूलना और असुविधा के इलाज में मदद करता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ड्रोटिन एम टैबलेट लें। आखिरकार, यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में अधिक आसानी से जानने में और बेहतर, अधिक सक्रिय जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद करेगा। ड्रोटिन एम टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ड्रोटिन एम के सामान्य साइड इफेक्ट। मिचली आना, उल्टी, डायरिया, दस्त, मुंह में सूखापन, सीने में जलन, चक्कर आना, अनिद्रा, नींद में कठिनाई, हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप, फास्ट हार्ट रेट, पसीना आना, कब्ज, लीवर एंजाइम में बढ़ जाना, सफेद रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स में वृद्धि, सफेद रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में कमी, ब्लड प्लेटलेट्स कम होना, पप्यूरा, एग्रेन्युलोसाइटोसिस, खून में ग्रेन्युलोसाइट की कमी, सांस फूलना, कान में घंटी बजना, पेट में दर्द, पेट फूलना, गैस बनना, अपच, पेट में सूजन, उलझन, डिप्रेशन। ड्रोटिन एम टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। ड्रोटिन एम टैबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।